हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त है। पैरामीशियम चल रहा था हमारा, बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर। पहली यूनिट में प्रोटोजोअन्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, कई सारी क्लासेस में हो गई है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखिए, सीरीज में ही देखेंगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। पैरामीशियम का ये सेकेंड लेक्चर है। पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, उसको हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया था। स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपको बता देता हूँ मैं। क्वेश्चन मेनली बनते कहाँ से? ज़्यादातर क्वेश्चन तीन ही आते हैं पैरामीशियम से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर पे आता है, क्योंकि स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ना रहता है। सेकेंड लेक्चर में न्यूट्रिशन और लोकोमोशन से रिलेटेड होता है। और थर्ड जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम, क्योंकि रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में जो है लोअर ऑर्गेनिज्म है, इसके बावजूद भी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म आप देखेंगे बहुत ब्रॉड है। इसलिए रिप्रोडक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है पैरामीशियम के केस में। जिस तरीके से मैंने बताया था आपको कि युगलिना में आपको न्यूट्रिशन और लोकोमोशन पे ज़्यादा फोकस करना है, उसी तरीके से यहाँ रिप्रोडक्शन खूब पूछते हैं। कंजुगेशन मैकेनिज्म जो होती है आगे बताएंगे आपको, तो उस पर खूब क्वेश्चन आते हैं। तो अप्रोच ये रहेगी, पहले लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझाया था, कंप्लीट स्ट्रक्चर, हर एक ऑर्गेनेल्स का जितना भी फीचर था सब कुछ मैंने कंप्लीट करवा दिया था। सेकेंड लेक्चर जो आज आज का है, इसमें हम न्यूट्रिशन और लोकोमोशन कंप्लीट करेंगे। और थर्ड लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड रहता, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड जो है रिप्रोडक्शन की, उसको डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, तो तीन ही लेक्चर रहेंगे और तीन ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, तो यहाँ से बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए भाई हम समझते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन के बारे में हमने पहले लेक्चर में भी बता दिया था। ठीक है, हमको स्टार्ट तो करना था फीडिंग मैकेनिज्म से, है ना? कहाँ से स्टार्ट करना था? फीडिंग मैकेनिज्म से। ये जो है आपका फीडिंग मैकेनिज्म, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ही एक बार रिवाइज कराते हैं, तभी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, पैरामीशियम में जो न्यूट्रिशन होता है, फूड को इंगल्व करता है। क्या करता है? फूड को इंगल्व करता है। आपको पता है एक ओरल ग्रूव बनती है इसके बॉडी सरफेस पे। देखिए यहाँ पे एक ओरल ग्रूव बन रही है। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं, उनको मिला के सबको कलेक्टिवली ओरल अपेरेटस कहा जाता है। क्या बोलते हैं? ओरल अपेरेटस। इसमें आपका क्या क्या आता है? जैसे आपका ओरल ग्रूव हो गया, वेस्टिब्यूल हो गया जो कि सेंसर की जैसे काम करता है, बक्कल कैविटी, साइटोस्टोम और साइटोफेरिंग्स। तो ये सभी ऑर्गन्स मिलकर ओरल अपेरेटस का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी ओरल अपेरेटस के थ्रू फूड को इंगल्व किया जाता है। आपको पता है कि प्रोटोजोअन्स मेनली वाटर में ही मिलेंगे, और ये पैरामीशियम फ्रेश वाटर में होता है। तो वाटर करंट के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड फूड पार्टिकल्स, वो ओरल अपेरेटस के थ्रू इंगल्व कर लिए जाते हैं। देन उसके बाद में क्या होता है यहाँ पे? साइटोफेरिक्स। ये देखिए, न्यू फूड वैक्यूल बना है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो यही मैकेनिज्म था फूड को इंगल्व करने का। न्यूट्रिशन इज अ जनरल टर्म विच इंक्लूड ओरल अपेरेटस, फूड मोड ऑफ फीडिंग, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेक्शन। पैरामीशियम स्वेलोस और इंगल्फ करता है ना भोजन को, फूड को। इंगल्फ करने का मतलब सीधा का सीधा फूड पार्टिकल अंदर निगल जाता है, चबाने की कोई प्रक्रिया यहाँ पे नहीं होती। इंगल्फ करता है द सॉलिड फूड मटेरियल्स। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आप बताइए। तो आपको याद रखना है कि सॉलिड फूड पार्टिकल को, कंप्लीट फूड पार्टिकल को ऐसे ही अगर आप निगल जा रहे हो, इंगल्फ कर ले रहे हो, तो उसको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फूड क्या होता है? फूड भाई देखिए, पैरामीशियम
मिलीमीटर साइज का होता है, मतलब बहुत छोटा होता है। तो इससे भी जो छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसी को ये खाता है, इंगल्फ करता है। पैरामीशियम फीड्स ऑन बैक्टीरिया, डाइटम्स, एल्गी, स्मॉल प्रोटोजोअन्स एंड स्मॉल पीसेस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। एज इट फीड्स ऑन एनिमल एंड प्लांट मटेरियल्स, पैरामीशियम इज कॉल्ड एन ओमनीवोरस एनिमल। मतलब ये दोनों को खाता है, प्लांट और एनिमल को। ओरल अपेरेटस में क्या होता है, यही पांच ऑर्गन्स होते हैं, ओरल ग्रोव, वेस्टिब्यूल, बक्कल केविटी, साइटोस्टोम और साइटोफेरिंग्स, ये सभी मिलकर काम करते हैं। द साइटोफेरिंग्स ओपन्स इनटू द इंडोप्लाज्म, साइटोफेरिंग्स इंडोप्लाज्म में खुलता है। आपको मैंने इसके साइटो स्ट्रक्चर वाले पार्ट में कवर किया था, इंडोप्लाज्म और इक्टोप्लाज्म क्या होता है ना। द ओरल अपेरेटस इज वेल सिलिएटेड, ये जो होता है इतना पार्ट, ये वाला ओरल अपेरेटस का, यहाँ पे सीलिया कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं, बॉडी सरफेस पे जितने भी सीलिया होंगे उसकी तुलना में यहाँ कई गुना अधिक होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें हर जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जो एक्सटर्नल फंक्शन है बॉडी सरफेस के बाहर, वो सब सीलिया ही कर रहा है। सीलिया के थ्रू मोशन भी होता है इसमें, है ना, लोकोमोशन। और फूड पार्टिकल्स जो वाटर करंट बन रहा है वो सीलिया के लयबद्ध गति के कारण बन रहा है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है, सीलिया का मूवमेंट होता है, तभी वाटर करंट जनरेट होता है, जिसके थ्रू ये फूड पार्टिकल्स ओरल ग्रूव में होते हुए कहाँ तक जाते हैं, साइटोफेरिंग्स तक, और वहां पे न्यू फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है ना। फिर ये फूड वैक्यूल इस तरीके से मैच्यूरेशन होता है इसका, और फूड यूज कर लिया जाता है, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको बाहर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। देखो साइटोफाइज जिसको लिखा हुआ है, बिहाइंड द साइटोफेरिंग्स अ टेंपरेरी ओपनिंग इज फॉर्मड एट द टाइम ऑफ इजेशन, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड साइटोफेज और सेल एनस और एनल स्पॉट, इसको बोलते हैं ना, इसको सेल एनस या एनल स्पॉट भी बोला जाता है। अब हम मैकेनिज्म की थोड़ा सा बात करते हैं, किस तरीके से वाटर करंट के थ्रू ओरल ग्रुप में, फिर वेस्टिब्यूल, फिर साइटोफेरिंग साइटोस्टोम से होते हुए फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, मैकेनिज्म भी आपको याद रखना। अगर फीडिंग फूड पूछेगा न्यूट्रिशन पे, तो फीडिंग मैकेनिज्म भी आपसे पूछेगा, ठीक है, साथ में ये भी आपको लिखना रहेगा। पैरामीशियम फीड्स व्हेन इट इज एट रेस्ट, इट मूव्स टू अ प्लेस वेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड, द सीलिया ऑफ द ओरल अपेरेटस बीट विगरसली। मतलब वही तो बता रहे थे ना, जो ओरल अपेरेटस है वहां पे सीलिया कंपेरेटिवली ज्यादा होते हैं, और वो बहुत तेजी से क्या करते हैं, लयबद्ध तरीके से गति करते हैं। द सीलिया ऑफ द ओरल अपेरेटस बीट विगरसली, दिस कॉजेज अ वाटर करेंट। जब सीलिया मूवमेंट करेंगे, है ना, बहुत तेजी से बीट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगे, तो वहां पे एक वाटर करेंट जनरेट होगा। द वाटर करेंट अलोंग विद फूड पार्टिकल्स पासेस थ्रू द ओरल ग्रूव, तो सबसे पहले वाटर करंट कहाँ पास करेगा, फूड पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड फूड पार्टिकल्स, उसके साथ में वाटर ओरल ग्रूव एंड वेस्टिब्यूल में पास कर जाएगा। द सीलिया ऑफ द वेस्टिब्यूल डायरेक्ट द फूड पार्टिकल्स इनटू द साइटोफेरिंग्स। अब जो वेस्टिब्यूल है वहां पे जो सीलिया होंगे वो इस तरीके से गति करते हैं कि वाटर करंट जो आया है, वाटर वो कहाँ घुस जाए, साइटोफेरिक्स में, थ्रू द साइटोस्टोम, है ना। सबसे ऊपर आपको देखो, जो ये ओरल अपेरेटस है इसमें पहला ऑर्गन ऊपर वाला जो है वो है ओरल ग्रूव, जो कि थोड़ा सा चौड़ा भाग है, और वहां से वाटर करंट स्टार्ट करता है घुसना अंदर, फिर वेस्टिब्यूल में जाएगा। वेस्टिब्यूल के सीलिया इस तरीके से गति करते हैं कि वाटर करंट और फूड पार्टिकल्स सीधा साइटोस्टोम से होते हुए साइटोफेरिंग्स में चले जाएं। द फूड पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एट द टिप ऑफ द साइटोफेरिंग्स, साइटोफेरिंग्स की टिप पे, मतलब लास्ट वाला जो पोर्शन है पोस्टेरियर रीजन, वहां पे कलेक्ट हो जाएगा। इन अ मेम्ब्रेनस वेसल, मतलब एक मेम्ब्रेनस वेसिकल होता है, क्या होता है, पुटिका बोल सकते हैं, वेसिकल मींस पुटिका, झिल्ली में पुटिका, मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होता है, वहां पे ये कलेक्ट किया जाएगा जितना भी सॉलिड फूड पार्टिकल्स है। व्हेन सफिशियंट अमाउंट ऑफ फूड पार्टिकल्स आर कलेक्टेड इट इज
सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोफेरिंग्स एज अ वेसिकल, है ना। तो जैसे ही मतलब भर का फूड पार्टिकल वहां कलेक्ट हो जाएगा तो साइटोफेरिंग्स का जो टिप वाला पोस्टेरियर रीजन है, पॉइंटेड रीजन, वहां से वेसिकल टाइप में एक क्या फूड वैक्यूल बनकर निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। दिस वेसिकल इज कॉल्ड फूड वैक्यूल, है ना। वही जो पुटिका है उसको हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। द फूड वैक्यूल इज अ ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, है ना। तो फूड वैक्यूल क्या होता है, ये एक नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। पूछते हैं व्हाट इज फूड वैक्यूल, तो फूड वैक्यूल क्या है, कुछ और नहीं है, वही जो वाटर करंट आया है जिसमें फूड पार्टिकल भी थे, तो वाटर कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स को ही हम क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल बोलते हैं। द फूड वैक्यूल इज फॉर्म्ड एवरी 1 to 5 मिनट। देखिए ये सब काम कितना तेजी से हो रहा है, हर 1 से 5 मिनट के अंदर एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन पैरामीशियम कर ले जाता है ना। तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। यहाँ पे देखिए ये वही बात बताई गई, ये वाटर करंट है ना, सीलिया के थ्रू ओरल ग्रुप से होते हुए वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल से कहाँ जाएगा, वेस्टिब्यूल से साइटोस्टोम में जाएगा, ये बक्कल कैविटी होते हुए साइटोस्टोम, फिर साइटोफेरिंग्स, और साइटोफेरिंग्स में यहाँ पे देखिए ये फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, न्यू फूड वैक्यूल एवरी 1 to 5 मिनट के अंदर जो है ये फॉर्मेशन होता रहता है। तो ये आपका फूड और फीडिंग मैकेनिज्म के बारे में था। एक दो पेज होगा, आप लोग उसको डायग्राम सहित अच्छे तरीके से नोट कर लेना, है ना। नोट्स आपको खुद से ही बनाने हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, और इतने अच्छे नोट्स हैं ये, है ना, मिल रहे हैं आपको। लेक्चर देखिए साथ में पॉज करके आप लिखेंगे तो चीजें एक ही बार में आपको साथ ही साथ याद हो जाएंगी और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं लोकोमोशन की, इसमें लोकोमोशन किस तरीके का होता है ना, लोकोमोशन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, है ना। लोकोमोशन और मूवमेंट ये दोनों चीजें अलग अलग, है ना। लोकोमोशन का मतलब जब आप अपनी जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, मूवमेंट में आप एक ही जगह खड़े हुए हाथ पैर चला सकते हो ना, बोल रहे हो तो जीभ का मूवमेंट हो रहा है, लिप्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये मूवमेंट में आ जाएगा। लेकिन लोकोमोशन जो होता है गमन, लोकोमोशन मतलब गमन, गमन और संचलन ये अलग अलग चीजें हैं। तो मूवमेंट और लोकोमोशन डिफरेंट चीजें हैं, आपको याद रखना है। लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पैरामीशियम मूव्स मेनली विद द हेल्प ऑफ सीलिया। आपको पता है कि पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, सीलिया, सीलिया के थ्रू ही वो मूव करता है। हेंस द लोकोमोशन इज पैरामीशियम, इन पैरामीशियम इज कॉल्ड सीलियरी लोकोमोशन, मतलब पश्चमाभी गति बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पश्चमाभी गति, सीलियरी लोकोमोशन। इट कैन मूव फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड्स, मतलब आगे और पीछे दोनों ओर ये जा सकता है। कैसे, सीलिया जो इसमें प्रेजेंट हैं बॉडी सरफेस पे, हजारों की संख्या में छोटे छोटे सीलिया लगे होते हैं, वो लयबद्ध तरीके से गति करते रहते हैं, है ना, और उनकी गति जैसे ही बदलेगी तो उनका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन, कैसे सीलिया के थ्रू ये लोकोमोशन स्टार्ट होता है। पैरामीशियम मूव्स बाय बीटिंग द सीलिया, मतलब सीलिया के बीटिंग से, बीट करता है ना बराबर, कॉन्टेक्ट रिलैक्स करता है वाटर में, एक करंट जनरेट करता है। द बीटिंग ऑफ ईच सीलियम, देखो सीलिया क्या है, ये प्लूरल वर्ड है, और सीलियम सिंगुलर वर्ड, एक सिंगल सीलिया को हम सीलियम बोलते हैं और बहुत सारे सीलिया को सीलिया बोला जाता है, है ना। द बीटिंग ऑफ ईच सीलियम कैन बी कंपेयर टू द ओसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम, जैसे पेंडुलम ऐसे ऐसे घूमता है ना, उसी तरीके से सीलिया भी मूवमेंट करता है। ईच ओसिलेशन हैज अ बैकवर्ड मूवमेंट एंड अ फॉरवर्ड मूवमेंट। द बैकवर्ड मूवमेंट इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक। इफेक्टिव स्ट्रोक मतलब जब पीछे की ओर सीलिया आएगा तो थोड़ा स्पीड से आएगा, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
और जब रिलैक्स करेगा तो आराम से आगे जाएगा, है ना। तो इसमें मोशन तो दोनों ओर होगा, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी, लेकिन फॉरवर्ड वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा सीलिया तो थोड़ा हाई स्पीड के साथ वो बीट जो होगी थोड़ा स्पीड में होगी, तो आगे ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर जब रिलैक्स होगा तो पीछे आएगा, लेकिन जितना आगे गया है उसकी तुलना में वही मान के चलिए आप 10 से 15% ही पीछे आ पाएगा, है ना। तो ये जो है इस मोमेंट को द बैकवर्ड मोमेंट इज कॉल्ड इफेक्टिव स्ट्रोक। ड्यूरिंग इफेक्टिव स्ट्रोक द सीलियम बिकम्स स्लाइटली कर्व्ड रिजिड एंड इट स्ट्राइक्स द वाटर बैकवर्ड्स लाइक एन ओर। एज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव स्ट्रोक द एनिमल इज प्रोपेल्ड फॉरवर्ड। द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ सीलियम इज कॉल्ड रिकवरी स्ट्रोक। क्या बोलते हैं? रिकवरी स्ट्रोक। ड्यूरिंग रिकवरी स्ट्रोक द सीलियम बिकम्स लूज एंड इज ब्राउट टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, है ना। एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये थोड़ा रिजिड हो जाता है, झुक जाता है, कर्व्ड, है ना, थोड़ा सा बीच से मुड़ जाएगा। ऐसे ही तो भाई जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सीलिया मुड़ेगा ना थोड़ा। यहां पे देखिए ये पहले ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से रिलैक्स होगा तब फिर से सीधा हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे सीलिया का मूवमेंट दिखाया गया है कि यहाँ किस तरीके से, देखिए 1 2 3 4 ये स्टेप दिखाए गए हैं। पहले इस तरीके से था, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर इस तरीके से रिलैक्स हो रहा है। तो इसको जो फॉरवर्ड मोमेंट होता है सीलियम का, इसको बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। ये सब एक सीलियम के बारे में बताया जा रहा है, और जितने भी सीलिया हैं वो एक साथ एक ही जैसे इसी तरीके से स्ट्रोक करते हैं। ड्यूरिंग रिकवरी स्ट्रोक द सीलियम बिकम्स लूज एंड इज ब्राउट टू इट्स ओरिजिनल प्लेस, इट इज नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट इफेक्टिव स्ट्रोक। और बराबर ऐसे ही मोमेंट करते रहते हैं। द सीलिया ऑफ द ट्रांसवर्स रो बीट साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही साथ सब बीट करते हैं। बट द सीलिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल रो बीट वन आफ्टर एनदर, मतलब जो ट्रांसवर्स रो है दो प्रकार, मतलब दो तरीके से अरेंजमेंट होता है, टू मैनर में अरेंजमेंट होता है सीलिया का। ट्रांसवर्स रो जो है उसमें बीटिंग जो है हर एक सीलियम की साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ में होगी। बट द सीलिया ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल रो, जो अनुदैर्ध्य लाइन है उसमें बीट क्या होगी, बीट वन एनदर, वन आफ्टर एनदर, एक के बाद एक करते रहते हैं। दिस ब्रिंग्स अबाउट अ वेव लाइक मूवमेंट ऑफ सीलिया सिमिलर टू द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ पेडी क्रॉप इन अ पेडी फील्ड एज विंड फ्लो। जैसे कि धान के खेत है और उसमें जब हवा आती है तो किस तरीके से देखते हो ना, पूरा खेत जो है, खेत में धान लगा हुआ है और तेजी से जब हवा आती है तो जहां से हवा स्टार्ट होती है वहां से पौधा नीचे को झुकता है और आगे झुकते चले जाते हैं और पीछे वाले फिर से अपनी पोजीशन पे आते चले जाते हैं। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि सीलिया जितने भी हैं वो मोमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। पहले झुकेंगे, है ना, तो बैकवर्ड जाएगा, फिर रिलैक्स करेगा तो फॉरवर्ड जाएगा। दिस वेव लाइक मूवमेंट ऑफ सीलिया इज कॉल्ड मेटाक्रोनल रिदम। क्या बोलते हैं? मेटाक्रोनल रिदम, मतलब एक लय होती है इसमें, रिदम, रिदम के साथ में ये गति करते हैं। और मान लीजिए कि रेंडमली ऐसे ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो दूसरा रिलैक्स कर रहा है, इस तरीके से होगा तो मूवमेंट होगी नहीं। इसीलिए एकता बहुत जरूरी होती है ना, हर जगह देखने को मिल रहा है। सीखिए चीजों को, अगर एक साथ सभी के सभी सीलिया ना कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करें तो क्या पैरामीशियम आगे पीछे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। पैरामीशियम डज नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन बट रोटेट्स स्पाइरली लाइक अ बुलेट। This is due to two reasons. देखिए ये किस तरीके से, देखो स्पाइरली अपनी ही पोजीशन पे घूर्णन कर सकता है, रोटेट कर सकता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं चलेगा, है ना। इस तरीके से इसका पाथ दिखाया हुआ है ना, ये पाथ है इसका, और अपनी पोजीशन पे भी ये रोटेट करता रहता है। इसके दो रीजन, द
सीलिया ऑफ द ओरल अपेरेटस बीट विगरसली, क्योंकि देखो अब बराबर अगर सीलिया बॉडी सरफेस पे बराबर एक ही लय के साथ अगर बीट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, लेकिन अभी आपको बताया था जो ओरल साइड होती है, ओरल अपेरेटस के साइड साइड में ज्यादातर होते हैं सीलिया, तो जहां संख्या ज्यादा हो जाएगी तो उधर बीटिंग ज्यादा होगी, तो एक साइड की ओर थोड़ा सा ये झुका रहता है ना, तो इसीलिए एक साइड में मोशन होता है ना कि स्ट्रेट लाइन में, और उसी के कारण बैलेंस नहीं बन पाता है तो ये रोटेट भी करता रहता है। द सीलिया ऑफ द बॉडी डू नॉट बीट स्ट्रेट बट ओब्लिकली, मतलब थोड़ा तिरछा जो है बीट करता है ना। तो आई होप आपको एक एक पॉइंट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहा है, इसमें दो पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। अगला जो आपका लेक्चर रहेगा उसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन रहेगा आपका, बाइनरी फिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनरी फिजन देखिए। बाइनरी फिजन में यही होता है, एक से दो डॉटर पैरामीशियम बन जाएंगे जो पेरेंट पैरामीशियम है इससे। इसके बाद में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड है काफी ब्रॉड है ना, यहाँ से आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। इसमें आपको कंजुगेशन, ऑटोगेमी, इंडोमिक्सिस, हेमिमिक्सिस और साइटोगेमी, इतने सारे टॉपिक पढ़ना है, जिसमें कि कंजुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और काफी बड़ा भी है, समझना पड़ेगा इसको। इसमें काफी सारे डायग्राम रहते हैं, देखिए इस तरीके से पूरी मैकेनिज्म होती है कंजुगेशन में, है ना। तो थोड़ा सा लेक्चर अगला जो होगा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड वो बड़ा होगा। ये इंडोमिक्सिस है आपका, इंडोमिक्सिस भी थोड़ा अच्छे तरीके से समझेंगे। इस पे जो तीन इसमें रिप्रोडक्शन की मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसेक्सुअल में आपको बाइनरी फिजन याद करके चलना पड़ेगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको एक तो कंजुगेशन, दूसरा इंडोमिक्सिस, इन तीन पे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और लॉन्ग क्वेश्चन अगर बनता है तो रिप्रोडक्शन में आपको एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों के जितनी भी मेथड है सभी आपको कंप्लीट बतानी पड़ती। तो आई होप आपको सभी चीजें आज वाली समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं अगर अभी तक तो कर दीजिए। आपको बीएससी से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड मटेरियल यहाँ पे भर भर के मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आप लोग मस्त तैयारी करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।